करते थे, हम आपसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे और आप चुटकी बजाते से सॉल्व करते थे। कितना मोटिवेट करती थी आप, जानते हैं आप तो भूल नहीं सकते, नहीं तो आज भी आप हमें गाइड करते। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हमारी प्रॉब्लम किससे शेयर करें। हमसे क्या परेशानी है तुझे तो हमें बता सकते, मेरे चेहरे की खुशी उससे गई है, शायद हम कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हें। वो आके बता दे, अभी कुछ अर्जेंट काम। अरे फक रुक, दिस अक्षय खरोडिया एंड यू गाइस आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। हाय गाइस, दिस इज शीतल मौलिक हियर एंड यू आर वाचिंग टेली रिपोर्टर। आज का जो सीक्वेंस है उसमें पहला नशा पहला खुमार है, जहां पे वेदांत को प्यार हो चुका है एक लड़की से, एंड वो उसी धुन में है, वो रेडी हो रहा है। ऐसा आई थिंक सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहाँ उन्हें पहली बार प्यार होता है, तो वो अंदर की जो फ्रेशनेस होती है, जो फीलिंग होती है, तो वो वेदांत आज इस सीन में कर रहा है। यार बेसिकली जब पहली बार प्यार होता है ना, तो सब सुंदर दिखता है, सब सब खूबसूरत सा लगने लगता है। तो वही है कि जैसे ही वो भाई बहन को देखता है तो उनको भी डांस करवाने लगता है, उनके साथ भी मज़े करने लगता है। एक्चुअली वेदांत थोड़ा सा ट्रैप्ड हो चुका है एक सिचुएशन में, जहाँ पे वो शेयर करना चाहता है अपनी दिल की बात, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो घर में किससे शेयर करे, बिकॉज़ दादी से वो बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादी अब बोल नहीं सकती, पहले बोल पाती थी अब नहीं बोल पाती है, तो दादी से शेयर नहीं कर पा रहा है। वेदांत ना अपने दिल की बात है, उसके दिल में कुछ है जो वो शेयर करना चाहता है परिवार से, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि घर में किससे शेयर करे, किस पे ट्रस्ट करे, तो बिकॉज कुछ ऐसी बात है जो शेयर नहीं कर पा रहा है। यूजुअली वो बचपन में दादी से शेयर किया करता था, पर अगर अब दादी बोल नहीं सकती तो वो इसी कन्फ्यूजन में, इसीलिए हमारी भुआ आ जाती है, भुआ आती है और वो हमें बोलती हैं कि वेदांत हमें बता दे क्या बात है, तो हम हमारी भुआ आ चुकी है सो भुआ यही बोल रही है मुझे, क्या बोल रही है भुआ आके मुझे सीन के अंदर, कि तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो एक्चुअल में मेरी भुआ ही है जो मेरे साथ पूरा, मतलब अभी तक तो अभी तक है, जो मेरे लिए फाइट कर रही है, तो शी इज़ द ओनली वन, बिकॉज दादी को शेयर कर सकता था तो सेम एज भुआ, एंड मगर कुछ अर्जेंसी आ जाती, कोई कॉल आ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सपोर्ट करने के लायक है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड बॉय ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन आई शुड से, बहुत ही अच्छा प्यारा लड़का है, तो ये ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी मम्मी, सगी मम्मी इसके साथ नहीं है, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं हमेशा सीरियल में कोशिश करती हूँ कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ। अब मुझे नहीं पता है कि मेरी मम्मी कैसी है इसको कुछ नहीं पता बेचारा, बचपन से इसको कुछ नहीं पता, बट मी एज फैमिली था ना पढ़ने के लिए, तो मैं तो अभी आया हूँ तो मुझे पता नहीं कि घर में क्या चल रहा है तो ये है कहानी। यार सबसे पहले तो मुझे सबको थैंक्स बोलना है, क्योंकि हमेशा इतना प्यार दिया, 3 साल शो को प्यार दिया, मगर अब मैं चाहता हूँ कि वही परिवार मेरे साथ वापस आया है और इस परिवार को भी उतना ही प्यार मिले जितना हमारे पंड्या परिवार को मिला था। सो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि सुहागन को आप लोग उतना ही प्यार दीजिए, और आपको मैं वादा करता हूँ कि हम लोग बहुत भर भर के मसाला देने वाले हैं, बहुत एंटरटेनमेंट देने वाला है एंड बहुत मज़ा आने वाला है। यस सो या yes.